आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन फार्मूली, जिसमें फर्स्ट फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इक्वस टू 2 sin C + D/2 cos C - D/2। सेकेंड फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी इक्वस टू 2 cos C + D/2 sin C - D/2। थर्ड वन cos C + cos D इक्वस टू 2 cos C + D/2 cos C - D/2। फोर्थ फार्मूले में एक साथ दो फार्मूले हैं। तो फर्स्ट है cos C - cos D इक्वस टू -2 sin C + D/2 cos C - D/2। यहाँ पर सी इज़ ग्रेटर देन डी, इसलिए हमने सी में से डी को माइनस किया। सेकेंड फार्मूला में सी इज़ लेस देन डी रहेगा और यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, डी में से सी हमको माइनस करना है। तो हमारा फार्मूला बन गया 2 sin C + D/2 cos D - C/2। नेक्स्ट इज डी फैक्टराइजेशन फार्मूली, जिसमें फर्स्ट फार्मूला है 2 sin A cos B इक्वस टू sin A + B + sin A - B। सेकेंड फार्मूला 2 cos A sin B इक्वस टू sin A + B - sin A - B। थर्ड 2 cos A cos B इक्वस टू cos A + B + cos A - B। फोर्थ वन 2 sin A sin B इक्वस टू cos A - B - cos A + B। एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिए एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर हमको जो प्रॉब्लम दिया है उसको हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है 2 sin 4x * cos 2x। यहाँ पर हमको फार्मूला यूज करना है 2 sin A cos B इक्वस टू sin A + B + sin A - B। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिए 2 sin 4x cos 2x इक्वस टू। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा स्टेप आ गया sin 4x + 2x + sin 4x - 2x। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा sin 6x + sin 2x। इस तरह से हमने गिवन प्रॉब्लम को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और थर्ड ये आपको होमवर्क करना है। सेकेंड प्रॉब्लम हमने ले लिए sin 6x + sin 4x - sin 2x = 4 cos x * sin 2x - cos x। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिए sin 6x + sin 4x - sin 2x। यहाँ पर हमको फार्मूला यूज़ करना है sin C + sin D = 2 sin C + D/2 cos C - D/2। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमको मिल गया 2 sin 6x + 4x / 2 cos 6x - 4x / 2 - 2 sin x cos x। यहाँ पर हमने साइन 2 थीटा का भी फार्मूला अप्लाई किए, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिल गया 2 sin 5x * cos x - 2 sin x - cos x। अब इस स्टेप में हम 2 cos x को कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में बच गया हमारा sin 5x - sin x। नेक्स्ट यहाँ पर हमको फिर से फार्मूला अप्लाई करना है sin C - sin D के लिए। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा स्टेप बन गया 2 cos x (2 cos 5x + x/2 sin 5x - x/2।
वंस अगेन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 cos x ब्रैकेट 2 cos 3x इंटू साइन 2x। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमको हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया 4 cos x साइन 2x cos 3x विच इज आवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y इक्वल्स टू टैन ऑफ x प्लस y अपॉन टैन ऑफ x माइनस y। सॉल्यूशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y। यहाँ पर हमको फार्मूला यूज करना है साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d के लिए। तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बन गया 2 साइन 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस 2y अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 2y अपॉन 2। अब सारे ब्रैकेट्स में न्यूमरेटर डिनोमेटर को हमने 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। नाउ साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई इज टैन x प्लस वाई एंड कॉस x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज कॉट x माइनस वाई। अब cot x माइनस वाई मीन्स 1 अपॉन टेन x माइनस वाई हमने कर दिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिए तो हमको नेक्स्ट स्टेप मिल गया tan x प्लस वाई अपॉन टेन x माइनस वाई विच इज आवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको प्रूव करना है sin 18 डिग्री cos 39 डिग्री प्लस sin 6 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री इक्वल्स टू sin 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। तो हमने सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लिए साइन 18 डिग्री कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है हमको कि जिस रेशो का एंगल बड़ा रहेगा वो रेशो हमको पहले लेना है। इस हिसाब से हमने कॉस 39 डिग्री को पहले ले लिए, उसी तरह से कॉस 15 डिग्री को पहले ले लिए, साइन 6 डिग्री को बाद में ले लिए। नेक्स्ट हमको यहाँ पर फार्मूला यूज करना है 2 cos a sin b इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले 2 एडजस्ट करना है तो हमने 2 को एडजस्ट किए 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा स्टेप बन गया हाफ इन ब्रैकेट 2 cos 39 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री प्लस 2 cos 15 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री। नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया हाफ साइन 39 डिग्री प्लस 18 डिग्री माइनस साइन ऑफ 39 डिग्री माइनस 18 डिग्री प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस 6 डिग्री माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री माइनस 6 डिग्री। नेक्स्ट साइन 21 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री हमको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हाफ साइन 57 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो साइन माइनस 21 डिग्री और साइन प्लस 21 डिग्री को हमने कैंसिल कर दिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया हाफ ऑफ साइन 57 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। वंस अगेन वी आर टू अप्लाई हियर फार्मूला फॉर साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। फार्मूला अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बन गया हाफ इंटू 2 कॉस 57 डिग्री प्लस 9 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन 57 डिग्री माइनस 9 डिग्री अपॉन 2। तो ये 2 को हमने 1/2 के साथ कैंसिल कर दिए तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बन गया कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन
24 डिग्री, टर्म्स को रीअरेंज किए तो हमको मिल गया साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री।